नमस्कार दोस्तों, IEEE के ये स्पेशल एपिसोड के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि IEEE का उद्देश्य रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उस चीज़ के लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं और इस तरह के शोज़ करते हैं जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर जानकारी मिले। जैसे आपने थोड़े समय पहले देखा, ECC का प्रोग्राम किया हमने MSME के प्रोग्राम किए, वैसे ही आज हमने इनवाइट किया है इंश्योरेंस को लेके, कि बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है इंश्योरेंस को लेके और इंश्योरेंस क्या होता है और किस तरह से करना है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम लोग मेनली तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि पहली चीज़ कि इंश्योरेंस क्या होता है, किस तरह से क्या कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, मराइन इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे बुक करना होता है, कैसे पॉलिसी लेनी होती है, दैट इज कमिंग इन पार्ट वन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली उसके बाद भी मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है बिफोर द क्लेम, और थर्ड पोर्शन विल टेक केयर कि जहाँ पे अगर मुझे क्लेम आता है कोई भी चीज़ का तो वो क्लेम आने से वक्त क्या क्या पहले मुझे प्रिकॉशन लेके चलना है और किस तरह से प्रोसीजर करनी है, तो मैं अपना जो मटेरियल का इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका मैं पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले पाऊँ। सो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। उसी चीज़ को लेके हमने श्री नीलेश जी देसाई को इनवाइट किया है। मैं थोड़ा सा अगर उनके लिए ब्रीफ कर दूँ, सो ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ इन कर्नावती क्लब एज वेल यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एज वेल। ही इज़ ऑल्सो रीजनल कन्वेनर इन इंडिया SME फोरम। अलॉन्ग विद दैट ही इज़ ऑल्सो अ GCCI बोर्ड मेम्बर, जहाँ पर वो लोग इंश्योरेंस के ऊपर एडवाइजरी भी करते हैं। Apart from that, he is also a committee member in Ahmedabad Management Association and Indian Rental Foundation, and board of management में भी है Indus University के। उनका almost more than 37 years का experience रहा है इस industry को लेके। So I welcome Nilesh bhai basically to our show. Thanks for coming down, spending your valuable time. Sir, सबसे पहले मैं start करना चाहूँगा कि ये export import यानी marine insurance general insurance से अलग कैसे है? First of all, मैं आप रियली अप्रिशिएट आप जो काम कर रहे हो रियली अप्रिशिएट है। थैंक्स लॉट सर। क्योंकि नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस लोग शुरुआत कर देते हैं लेकिन उसकी डेप्थ जो है डेप्थ में बहुत ही तकलीफ आती है जब सही लोग डील करते हैं। तो सही बात है। तो ये अन पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट के हिसाब से या उनकी प्रायोरिटी नहीं है उनके हिसाब से ऑलवेज कहीं ना कहीं गैप रहता है, प्रॉब्लम रहता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस कंपनी पर या इंश्योरेंस पार्ट पर नॉर्मली रहता है। सही बात है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि इस तरह का आप इंटरेक्शन कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है, इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस किस तरह डिफरेंस है, इंडस्ट्रीज में बहुत टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, लाइक फायर पॉलिसी है, इनके ऑप्शन में इंडस्ट्री ऑब्वियस पॉलिसी है, वर्क पेन कॉम्पनसेशन है, इसी प्रकार ये फॉर ट्रांजिट गुड्स ट्रांजिट ये मरीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। मेनली मरीन इंश्योरेंस दो टाइप के रहते हैं, एक अगर आप इंडिया में अगर मूवमेंट करते हो तो एक इनलैंड ट्रांजिट आता है, लोकल मूवमेंट हो गया, लोकल मूवमेंट ठीक है, गुड। सेकेंडली फॉर फॉरेन में अगर आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का काम करते हो तो उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी मिलती है। ओके। ये पॉलिसी नॉर्मली कई लोग क्या होता है कि स्पेसिफिक भी पॉलिसी लेते हैं। सर मैं पॉलिसी सॉरी टू इंटरप्ट मैं पॉलिसी के ऊपर आऊंगा मैं, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मरीन इंश्योरेंस क्या है, देन हम लोग स्लोली कैजुअली क्वेश्चंस लेते रहेंगे। ओके, फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर। तो मरीन पॉलिसी क्या है कि जो मटेरियल आप कस्टमर को बेचते हो सही तो अपने वेयर हाउस से उनके वेयर हाउस तक, और इम्पोर्ट करते हो तो उनके वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस तक, ये रिस्क जो कवर करने की बात है वो मरीन पॉलिसी में कवर होता है। तो सर मैं जान सकता हूँ कौन से रिस्क कवर होते हैं उसके अंदर? नॉर्मली उसमें बेसिक रिस्क भी रहता है, जैसे ट्रांसपोर्टर या शिपमेंट में माल आता है और ट्रांसपोर्ट में या शिपमेंट में कुछ इफेक्ट होता है, एक्सीडेंटल डैमेज होता है या ओवरटर्निंग में पलटी खाता है या किसी वजह से वो पर्टिकुलर वेसल को या ट्रक को इफेक्ट आती है तो उनका एक बेसिक रिस्क आता है। सही, उनको डैमेज होता है और मटेरियल को डैमेज होता है तो वो रिस्क मिलता है। सही बात, वो मिनिमम है। एंड उनके ऑप्शन में एक ऑल रिस्क पॉलिसी आती है। ओके। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको ICICI ए क्लोज बोलते हैं। ओके। वो उसमें ये चीज कवर हो जाती है क्लोज ए के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है, गुड। और उसमें वेयर हाउस टू वेयर हाउस के अपनी फैक्ट्री से माल निकला और सामने वाली फैक्ट्री तक पहुंचा, इन बिटवीन एनी टाइप ऑफ डैमेज, ओके, एक्सीडेंटल डैमेज, वो कवर करते हैं। वो कवर करते हैं।
सर, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि इंश्योरेंस और ECGC का इंश्योरेंस, दोनों चीज इंश्योरेंस है। मैं जानना चाहूंगा कि सर मराइन इंश्योरेंस और ECGC के इंश्योरेंस का डिफरेंस क्या है। ECGC क्या है कि एक्सटेंडेड पार्ट है मरीन पॉलिसी का। उसमें ऐसा है कि ECGC क्रेडिट इंश्योरेंस, वन टाइप ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस है। okay. कि समझो कि आपने किसी कस्टमर को माल बेचा और वो कस्टमर ने पैसा नहीं दे पाया, तो उनकी जो क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट है वो इंश्योरेंस ECGC कवर कर रही है। दैट इज मतलब डिफरेंट साइज, जो नॉर्मल केस में इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है उससे डिफरेंट है। और ये आजकल के मार्केट में जिस तरह फास्ट मार्केट चल रहा है उसमें ये पॉलिसी लेना भी इतना जरूरी हो जाता है जैसे मरीन पॉलिसी है। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज को, तो जो बायर का रिस्क है दैट कम्स अंडर ECGC, और जो प्रोडक्ट का रिस्क है दैट कम्स अंडर मरीन इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, राइट, सुपर सुपर, ग्रेट टू नो। तो सर ये इंश्योरेंस मुझे क्या बाय सी, बाय रोड, बाय एयर तीनों में मिल सकता है या सिर्फ मुझे सी में ही मिलता है, कैसा होता है? सिंगल पॉलिसी में एवरीथिंग इज कवर्ड। जैसे एग्जाम्पल दे तो कोई एक फैक्ट्री से मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए निकला है, तो उनकी फैक्ट्री से बॉम्बे पोर्ट या नावाशिवा या कंडला पोर्ट तक अगर मटेरियल जा रहा है okay. तो उनका बाय रोड का रिस्क कवर होता है। okay. वहाँ पे फिर स्टोरेज रहता है, क्योंकि इमीडिएट तो वेसल मतलब आता नहीं है, जब तक वेसल नहीं आता तब तक स्टोरेज का रिस्क रहता है। सही बात है। एंड देन आफ्टर पोर्ट टू फॉरेन पोर्ट तक okay. उनका बाय सी का रिस्क कवर होता है। देन आफ्टर फॉरेन पोर्ट में पहुँचने के बाद उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो फैक्ट्री है वहाँ पहुँचने के लिए अगेन बाय रोड का रिस्क है। तो ये थ्रू आउट रिस्क जो है इन सिंगल पॉलिसी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। यानी आपके हिसाब से चाहे मैं बाय एयर भेजूँ, बाय सी भेजूँ या बाय रोड, यानी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट भी अगर करता हूँ, राइट, तो भी इंश्योरेंस मुझे वेयरहाउस टू वेयरहाउस यानी अपनी फैक्ट्री से लेके सामने वाले की फैक्ट्री तक जब तक सेफली माल नहीं पहुँचता है तब तक मिलना है इन सिंगल पॉलिसी। ऑसम, सीरियसली गुड टू नो दिस। तो सर मुझे और एक चीज क्वेश्चन था कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सब क्लोज है के बारे में बताते कि बेसिक रिस्क हो गए, उसके अलावा के कौन से रिस्क होते हैं जो मराइन पॉलिसी में कवर होते हैं? नॉर्मली जो हम रिस्क आपको बताया कि ऑल रिस्क कवर्ड है, तो नॉर्मली आफ्टर 37 ईयर्स एक्सपीरियंस जो हमने फेस किए हैं फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या इंडियन पॉलिसी में, तो फर्स्ट ऑफ ये जो मटेरियल अपनी फैक्ट्री से निकला पोर्ट तक जा रहा है तो उसमें ट्रक को एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, या ट्रक में इन बिटवीन कोई थेफ्ट भी हो सकता है। सही बात है। तो वो नॉर्मली कवर्ड होता है। सेकेंडली बाय सी जा रहा है तो समटाइम्स क्या होता है कि जनरल एवरेज का क्लेम भी आता है कि बाय सी मटेरियल जा रहा है और वेसल को इन बिटवीन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसको लोड कम करना पड़ा। ओके। तो उस टाइप पे एक जनरल एवरेज का भी क्लेम रहता है। सर्टेन टाइम वेसल को अगर कुछ डैमेज होता है और मटेरियल डैमेज कंडीशन में डिलीवर होता है ओके okay. तो भी मतलब जब मटेरियल वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहा है तब पता आता है कि ये डैमेज कंडीशन में मटेरियल आया है। उसमें डैमेज बहुत टाइप के रहते हैं, एक्सीडेंट डैमेज भी हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग में भी डैमेज हो सकता है। सही बात है। सर्टेन टाइम पहले बहुत प्रैक्टिस थी, आजकल कम हो गई है इन टेक्सटाइल एंड केमिकल, मटेरियल का मिक्स करके बीच इन बिटवीन मिक्स करके उनको वहां तक फाइनल से पहुंचता है okay. वो भी क्लेम आ सकता है। ओके। एंड सिमिलर वे फॉरेन पोर्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन जो इधर की बात किया, सेम वे बाय रोड का रिस्क भी कवर होता है। okay. तो ये इस टाइप का मतलब डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लेम पॉसिबल। और ये तो सारे अगर मैं बात करें बेसिक क्लेम आपने बताया, बट बहुत सारे ऐसे भी क्लेम होते हैं जैसे भाई वेसल में कुछ हो गया या ट्विस्टर आ गया या वहाँ पे तूफान आ गया जिसका डैमेज हुआ, वो भी बहुत सारे क्लेम शायद इंश्योरेंस में कवर होते हैं। हाँ, नॉर्मली वो नेचर कैलामिटी कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली, अर्थक्वेक आ जाता है कभी कहीं पे, तो उस वक्त भी इंश्योरेंस क्लेम इट कैन बी कवर्ड। ओके, सो इट्स नॉट ओनली द बेसिक क्लेम बट अगर नेचुरल कैलामिटीज के भी क्लेम आते हैं दैट कम्स अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जैक्टली। सो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूँ एज अ इंश्योरर, आज मैं एक्सपोर्टर हूँ या इम्पोर्टर हूँ, तो क्या मुझे सारे इंश्योरेंस ये जो रिस्क का कवर करने चाहिए या सिर्फ बेसिक क्लोज लेके ही कवर करना चाहिए? व्हाट इज योर 100% ऑल रिस्क पॉलिसी लेनी चाहिए। ICICI क्लोज जो बोलते हैं फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूडिंग वॉर एंड SRCC ऐसे लिखा है। ICICI यानी वॉर का भी एक रिस्क है। सही बात है। वो भी मिलता है। ओके गुड। व्हाट इज SRCC इफ यू कैन ब्रीफ मोर अबाउट इट। उसमें टेक्निकल वर्ड से स्ट्राइक राइट सिविल कम्युनिकेशन राइट इन बिटवीन को तूफान हो गया या पॉलिटिकल वॉर या जैसे सर्टेन टाइम देखते हैं का है कोलंबो में भी अटैक हो गया। Exactly. सारा बंद हो गया, कार्गो पहुंचा हुआ है आपका। Exactly. Okay, राइट आ गया
तो राइट के हिसाब से अगर धमाल हो गई और अपनी ट्रक इन बिटवीन लूट गई, ओके, तो दैट इज आल्सो, सो दैट आल्सो कवर्स अंडर इंश्योरेंस, ऑसम, ऑसम, ग्रेट। सो यानी अगर आपका कहना ये है कि ये सारी चीजें इंश्योरेंस के अंदर कवर करके ही सेफली हम लोग बिजनेस करें, दैट इज रियली गुड टू नो।